हेलो एवरीवन, आज शरद पूर्णिमा सी है तो आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन बनती है साबूदाने की खीर, क्योंकि हम भगवान का आज इसी से भोग लगाते हैं। भगवान जब नौका विहार करके आते हैं तो इस खीर में कई भोग लगाते हैं, इसमें अमृत जो डालते हैं वो, है ना। तो आज हम इसको रखेंगे शाम को बांध के चांदनी रात में, और नौका विहार करते हुए भगवान जी को इसका भोग लगाएंगे। तो इसको मैंने कैसे बनाया है ये जानने के लिए चलते हैं हम फटाफट माँ की रसोई में। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, देखिए आपने बहुत तरह की साबूदाने की खीर बनाई होगी, मैंने भी बनाई है, बट आज मैं बनाऊंगी बड़े वाले साबूदाने की, जिसको हम फुलाते हैं, है ना। नमकीन वगैरह बनाते हैं, आपको पता होगा बड़े बड़े हो जाते हैं ये, तो आज हम इसकी बनाएंगे। तो मैंने ये लिया है करीब 100 ग्राम साबूदाना लिया है, और मैं बनाऊंगी 10 कप खीर, है ना। तो 10 कप खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम साबूदाना, और इसको मैंने पानी में गला दिया था। ये देखिए कितने बढ़िया हो गए, ये देखिए कितने अच्छे से हो गए, है ना। तो अब थोड़ा सा यूनिक तरीका है हमारा बनाने का। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें 1/2 कप पानी। ये देखिए, कभी भी आप खीर बनाए तो थोड़ा सा पहले पानी डाल दें, तो हमारा जो दूध है वो तले में नहीं चिपकेगा। और ये मैं पानी सही थी साबूदाने को इसमें डाल देती हूँ, और इसको हम करीब 5 मिनट तक पानी में ही उबलने देते हैं, उसके बाद में मैं दूध डालूंगी। दूध मैंने लिया है ये 1.5 लीटर, जिसको मैंने उबाल उबाल के 1 लीटर कर लिया। देखिए पूरा मलाई वाला दूध मैंने कर लिया था इसको, जिससे कि हमको साबूदाने की खीर बनाने में आसानी हो जाए। देखो दिख रहा होगा आपको, काफी गाढ़ा हो गया। 1.5 लीटर दूध को मैंने 1 लीटर कर लिया, और उसके बाद साबूदाने में डाल के हम इसको 1/2 लीटर करेंगे। तो हम इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं करीब 10 मिनट तक। देखिये 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, और देखिए साबूदाना हमारा अच्छे से गल गया है। देखिए हो गया ना, कितनी अच्छी टिप है देखिए पानी में, क्योंकि हम बड़े साबूदाने का बना रहे ना, इसलिए अगर छोटे का बनाते तो हम दूध में गला लेते। देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया, और ये बिल्कुल ट्रांजी, इसकी ये पहचान है कि ये ट्रांजी हो जाते हैं। अब हम अपना पूरा गाढ़ा मलाईदार दूध इसमें डाल देते हैं। देखिए कितना गाढ़ा दूध है हमारा, दिख रहा होगा आपको, ये हम इसमें पूरा डाल देते हैं। 100 ग्राम साबूदाने में मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। देखिए अब हम इसको पकने देंगे करीब 10 से 12 मिनट, और देखिए कितना बढ़िया कलर भी आ रहा है, और ये ट्रांसपेरेंट आराम से दिखने लगे। देखो दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अब इसको हम उबलने देते हैं, जब तक ये हमारा उबल रही है साबूदाने की खीर, जब तक हम बाकी प्रोसेस की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है ये केसर, केसर को मैं दूध में डाल देती हूँ, थोड़ा सा दूध है ये हमारे पास, इसी में गला देती हूँ, तो इसका कलर अच्छे से आ जाएगा। देखिए जब तक ये गलेगा तब तक हमारा दूध अच्छे से उबल जाएगा। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उन ड्राई फ्रूट्स को मैं काट के रख लेती हूँ। कुछ बादाम लिए, किशमिश, चिरौंजी, थोड़े से मगज, और नारियल का बुरादा, और इलायची पाउडर। तो मैं इसको फटाफट से काट के रख लेती हूँ। ये देखिए हमारी खीर जो है वो कितनी गाढ़ी हो गई है, और कितनी अच्छी दिख रही है ना। अब इस स्टेज पे डालूंगी मैं 1 बाउल शक्कर, है ना, ये इसका मेजरमेंट है। शक्कर इसमें थोड़ी कमी डलती है, क्योंकि दूध जो है वो एकदम रबड़ी जैसा हो गया है ना, तो इसमें मैंने 1 बाउल शक्कर डाली। अगर नाप से देखा जाए तो 150 ग्राम शक्कर डाली मैंने इसमें, है ना। इसी स्टेज पे डाल दूंगी मैं इलायची का पाउडर, मैंने 8-10 इलायची का पाउडर बनाया है, और मैं डाल दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट, जिससे कि वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैं डाल रही हूँ चिरौंजी, किशमिश, और पिस्ता, बादाम वगैरह सब सारे डाल देती हूँ मैं इसमें, है ना। ये देखिए, और थोड़ा सा ज्यादा सा नारियल का बुरादा कुछ मैंने बचा लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए, और मैं डाल दूंगी। ये देखिए मेरा केसर वाला दूध कितना बढ़िया हो गया, कलर देख रहे हैं आप कितना अच्छा आया है। तो मैं इसमें ये भी शायद डाल देती हूँ, जिससे कि हमारा कलर इसमें बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये देखिए केसर डालते से कलर देखिए इसका कितना प्यारा आ गया ना, और इसकी थिकनेस देखिए आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया थिकनेस आई है। बस अब हम इसको 3 से 4 मिनट और बनाएंगे, उसके बाद ही एकदम हमारा रेडी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। बस इसको सर्व करते हैं, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा सी, तो आज इसको बनाकर चांदनी रात में रखेंगे, और इसको फिर सुबह इसका प्रसाद बांटा जाता है, तो ये सब जगह जरूर बनती है आज, है ना। देखिए हमारी साबूदाने की खीर एकदम रेडी है, और उसका कलर देख रहे हैं आप, केसर के कारण कितना बढ़िया कलर आया है ना। पर थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, और आप इस तरीके से बनाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम करते हैं फटाफट से अपनी प्लेटिंग, क्योंकि हमको भगवान का भोग भी लगाना है, और इसको रात को बांध कर भी रखना है, जिससे कि हमारा अमृत जो है वो हमारी खीर में आ जाए। तो तैयार है हमारी रबड़ी वाली साबूदाने की खीर। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी है, दिख रहा है आपका इसका टेक्सचर, एकदम रबड़ी लग रही है ना। तो रेसिपी तो आप हमारी ट्राई करिएगा, और आज शरद पूर्णमासी का भोग लगाइए, और भगवान जी का भोग लगाइए। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी लग रही है। तो सर्विंग के लिए तैयार है, लेकिन इसको हम खाएंगे
थोड़ा सा चिल करने के बाद, है ना। तो इसको मैं फ्रिज में रखकर आती हूँ। और उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल हेमा की रसोई को कमेंट करना ना भूले हमेशा की तरह, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। हैप्पी साथ पूर्णिमा।